मुसलमान अपनी बेटियों से नफरत क्यों करते हैं, इंशाल्लाह कुरान हदीस की रोशनी पर बात होगी। दुनिया के अंदर आप नजर दौड़ाएं, देखें समाज के अंदर, माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी मसलक के मानने वाला हो, जब किसी भी इंसान के घर में एक बेटी पैदा होती है तो हम बोझ समझते हैं, हम बोझ तसव्वुर करते हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर बेटे की विलादत होती है, बेटा जन्म लेता है तो हम खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो हमारे चेहरे की मुस्कान खत्म हो जाती है, हमारे चेहरे की वो खुशी खत्म हो जाती है, जो चेहरे पर जो खुशी जो बेटा होने की बिना पर जो खुशी थी वो चेहरा खत्म हो जाता है, जब वो चेहरे की वो खुशी खत्म हो जाती है जब घर के अंदर बेटी पैदा होती है। असल में बेटियों को बोझ क्यों तसव्वुर किया जाता है, इंशाअल्लाह इसी मौजू पर बात होगी। एक अरसा मगरिबी ज़रा इख़्लाफ़ और मगरिब सदा फ़रार तंजीमों की तरफ से मुसलसल ये बात प्रोपेगेंडा की जा रही है। इस्लाम ने औरत को कुछ नहीं दिया मगर एक झूठ है, क्योंकि इस्लाम ने औरत को जो मकाम जो मर्तबा दिया है वो किसी दूसरे मजहब से नहीं मिला है। मेरे प्यारे भाइयों, आज ये कुरान से पूछते हैं कि असल में बेटियों को बोझ क्यों समझा जाता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कोई ये कहता है कि फला के घर में बेटा ही बेटा, फला के घर में बेटियां ही बेटियां, फला के घर में बेटा और बेटे अल्लाह ने दोनों मिलाकर दिए हैं, और फला को देखो बांझ है, अकीमा है। हम ये तसव्वुर करते हैं। आज ये कुरान से पूछते हैं मेरे प्यारे भाइयों, रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर फरमाता है यखलुकु मा यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है पैदा करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है पैदा करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे नहीं चाहता है उसे पैदा नहीं करता है। यहाँ लिमन यशाउ इनासा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है उसे उसके घर में मुअन्नस बनाकर पैदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है बेटियां ही बेटियां अता करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है सिर्फ बेटियां ही बेटियां अता कर देता है। وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है उसे बेटा अता कर देता है, उसे बेटा दे देता है, उसके घर में बेटे की विलादत होती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहेगा उसे बेटा देगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहेगा उसे बेटियां ही बेटियां दे देगा। أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां यानी दोनों शामिल करके दोनों मिलाकर पैदा कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों, वो यजालू नहीं है शाहू अतीमा, और अल्लाह बुलाले भी जिसे चाहता है उसे अतीमा बना देता है, जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है, उसे अतीमा बना देता है। वो बोझ समझने वालों, वो बेटियों को बोझ समझने वालों सुन लो, ये इंसान की तखलीक नहीं है, ये इंसान उन्हें पैदा नहीं कर सकता, ये इंसान के बस की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है, क्योंकि ये अल्लाह की तखलीक है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा फरमाता है। यखलुकु मा यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहेगा उसे पैदा फरमाएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहेगा उसको कुछ भी नहीं देगा, उसको अतीमा बना देगा। आज दुनिया के अंदर किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर बांझ बना देता है, किसी को अतीमा बना देता है, तो हम गलत समझते, हम उसे देखना भी तसव्वुर नहीं करते हैं, हम देखते हैं तो उसे बुरी नजर से देखते हैं। आज समाज को क्या हो गया है, आज माशरे को क्या हो गया है, आज सोसाइटी के अंदर क्या हो गया है कि समाज के लोग लड़कियों को देखना नहीं चाहते हैं, आज समाज के अंदर लड़कियों से नफरत क्यों होती है, आज समाज के अंदर लड़कियों से औरतों से तकलीफ क्यों होती है, औरतों से नफरत क्यों की जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है उसे बेटियां
अता कर देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटा ही बेटा अता करता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां यानी दोनों शामिल करके दोनों मिला करके देता है। मेरे प्यारे भाइयों, तो हमें उसकी उलझन में नहीं पड़ना है, हमें यह तसव्वुर कर लेना है, बेटा हो फिर भी हमें खुशी होनी चाहिए, बेटियां हो फिर भी हमें खुशी होनी चाहिए, हमें गम नहीं होना चाहिए, हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बांझ है तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बांझ बना दिया है, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे अकीमा बना दिया है, ये अल्लाह जिसे चाहेगा उसे अकीमा बना देगा। लेकिन आज माशरे को क्या हो गया है, आज सोसाइटी को क्या हो गया है कि लड़कियों से नफरत करते हैं, घर के अंदर लड़की की विलादत होती है, लड़की का जन्म होता है, तभी से हम ये सोचने लगते हैं, हमारे जहन में ये बात आने लगती है कि इसके लिए दहेज में क्या दिया जाए, और बचपन ही से हम ये ख्याल करते हैं कि हमें फला काम करना पड़ेगा, हमें अपनी बेटी के लिए जहेज का सामान मुहैया करना पड़ेगा। हम ये तसव्वुर कर लेते हैं, क्यों, अगर हमने जहेज नहीं दिया हमारी बेटी की शादी नहीं होगी, हमारी बेटी का निकाह कैंसिल हो जाएगा, हमारी बेटी की शादी नहीं होगी, फला का बेटा आएगा और जहेज का डिमांड करेगा, जहेज की तमन्ना करेगा, लेकिन अगर मैं ना दूं तो मेरी बेटी की शादी कैंसिल हो जाएगी। इस वजह से हम अपनी बेटियों की नफरत करते हैं, हम अपनी बेटियों से नफरत करते हैं। ऐ माशरे वालों, ऐ समाज वालों, मैं बताना चाहता हूँ, आज समाज के अंदर ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे कठुल्ले लोग पैदा हो गए हैं जो जहेज के नाम से उलझे हुए हैं, जो जहेज के नाम से मुतालबा करते, जहेज लेने वालों, जहेज का मुतालबा करने वालों, काश के तुम ही लोगों की वजह से वो लोग, समाज के लोग, माशरे के लोग अपनी बेटियों से नफरत करते हैं, अपनी बेटियों को बोझ तसव्वुर करते हैं, अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं। मेरे भाइयों, एक इंसान अपनी बेटी की निगरानी करता है, 20 साल 22 साल माँ बहन को गई है, लेकिन एक इंसान, एक बाप अपनी बेटी की निगरानी करता है और 22 साल तक निगरानी करता है चौकीदार बनकर। अरे लोगों, तुमने अपने बेटे को 5 लाख की दुकान दे दी, और तू जब लड़की देखने जाते हो तो तुम कहते हो हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा तो दुकान दे रहा है। अरे माशरे वालों, अरे समाज वालों, आज समाज को क्या हो गया है, आज माशरे को क्या हो गया है, आज इंसान इंसान का खून पी रहा है, आज इंसान इंसान को कत्ल कर रहा है। वो लोगों, तुमसे ज्यादा तो भेड़िया हैं, तुमसे ज्यादा तो जानवर है, जो जानवर जानवर को नहीं खाता है। अरे शेर कितना जहरीला जानवर है, सांप इतना जहरीला जानवर है, लेकिन सांप सांप को काटता नहीं है, सांप सांप को खाता नहीं है। अरे शेर चीर फाड़ करता है, शेर खून खा जानवर है, लेकिन शेर शेर को नहीं खाता है, शेर शेर को नहीं मारता है। इंसान, हम तो इंसान है, हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद है। मेरे भाइयों, क्या सहाबा कराम ने शादी की, क्या जहेज का डिमांड किया है, क्या जहेज का मुतालबा किया है? आज उन्हीं की उम्मत होने के बावजूद हम जहेज का मुतालबा करते हैं, हम जहेज का मुतालबा करते हैं, हम जहेज का डिमांड करते हैं। मेरे भाइयों, शायद के इन्हीं लोगों की वजह से आज लड़कियों को नफरत की जाती है, आज लड़कियों से नफरत की जाती है, आज माशरे के अंदर औरतों से नफरत की जाती है, शायद किसी जहेज लेने वालों से। और मैं लड़की वालों के खाने वालों को मैं डाकू कहूंगा, मैं चोर कहूंगा, क्योंकि लड़की वालों को तूने वहां खाया है। अगर तुम्हारा बाप का ताकत है तो तू अपने बाप के पैसों से खाओ। तकलीफ होती है तब जब तुम 1 रुपया कमाते हो, जब तुम अपने से खर्च करते हो, तब महसूस होता है। जब लड़की वालों के वहां खाने जाते हो तो रस भरी को, तुम रसगुल्ले को तुम चाप चाप कर खाते हो, शर्म नहीं आती है। आज माशरे को क्या हो गया है मेरे प्यारे भाइयों, शायद इसी वजह से लड़कियों से नफरत की जाती है, इसी वजह से लड़कियों को दूर कर दिया जाता है, इसी वजह से अल्ट्रासाउंड के जरिए मालूम कर दिया जाता है।
जाता है, फोटो के जरिए मालूम कर लिया जाता है कि लड़की के माँ के मादर रहम में क्या पल रहा है, जनीन क्या है, बच्चा है या बच्ची है। अगर बच्ची है तो माँ के पेट में ही मादर रहम के अंदर ही मेरे भाइयों उनको मार दिया जाता है, इंजेक्शन के जरिए, दवाइयों के जरिए उनको मार दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है, पता लगा लिया जाता है कि पेट में पलने वाला बच्चा है या बच्ची है, ये जनीन जो पल रहा है ये बच्चा है या बच्ची है, ये लड़का है लड़की है। मेरे भाइयों, जब मालूम हो जाता है डॉक्टरों के जरिए, फोटो के जरिए मालूम हो जाता है मेरे भाइयों, तो हमने अपनी लड़कियों को, दुनिया की रंगीनियों को भी उसने नहीं देखी, उसने दुनिया की खूबसूरत हसीन रंगीन चीजों को भी नहीं देखी। हम कितने बेवकूफ इंसान है, हम कितना नालायक है मेरे भाइयों, तसव्वुर तो करो कि हमें मालूम नहीं है हमारी बेटी ने जन्म भी नहीं लिया है, हमारी बेटी दुनिया की हसीन और अजीम चीजों को नहीं देखा है, और हम उन्हें मार देते हैं माँ के पेट में ही, मादर रहम के अंदर ही उसको खत्म कर देते हैं मेरे प्यारे भाइयों। और मालूम हो जाता है इसी वजह से तो बेटी से नफरत की जाती है, जहेज की वजह से हम मादर रहम के अंदर मार देते हैं। और आज हम मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक वाकया की तरफ ले जाऊंगा, शायद क्या आपका दिल जाए, शायद कि आपके आंखों से आंसू निकल आए। मेरे भाइयों, ज़माने जाहिलियत के बारे में एक वाक्या मैं बताना चाहता हूं कि ज़माने जाहिलियत के अंदर सहाबाए किराम बैठे भी हैं, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे भी हैं। एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ज़माने जाहिलियत के अंदर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया हूँ अल्लाह के रसूल, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम बताओ तुम कौन सा गुनाह किए हो, तुम कौन सी गलती किए हो। वो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत में मैं अपनी बेटी को, मैं अपनी लखते जिगर को, मैं अपनी लड़की को, मैं अपनी बच्ची को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया हूँ, जिंदा दरगोर कर दिया हूँ, मिट्टी दर दफीन कर दिया हूँ, उसको कब्र दे दिया हूँ, पाट दिया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा वक्त यह बताते हैं, अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बाहर में था, काम करने के लिए गया हुआ था, अरे अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में लड़की का जन्म हुआ, मेरे घर में लड़की की विलादत हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं काम में गया हुआ था। और मेरी बीवी कहती है, अरे मेरे शोहर खुश हो जाइए, आपके घर में लड़की का जन्म, आपके घर में लड़का पैदा हुआ है, आपके घर में लड़के लड़का का जन्म हुआ है, आपके घर में लड़के की विलादत हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुश हो गया। तीन चार रोज के बाद जब मैं अपने घर को आया और मैंने देखा कि मेरे घर में अल्लाह के रसूल बेटी पैदा हुई है, हमारे घर में बेटी की जन्म हुआ है, हमारे घर में बेटी लड़की की विलादत हुई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं समाज के कानून को फॉलो करते हुए, माशरे के कानून को फॉलो करते हुए, सोसाइटी के कानून को फॉलो करते हुए मैं अपनी बच्ची को लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दफन करने के इरादे से उनको जा रहा था ताकि मैं उसको दफन कर दूं, क्योंकि समाज का यही कानून था, क्योंकि माशरे का यही कानून था कि लड़की पैदा होती ही उनको जिंदा दरगोर कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, उसको दफन कर दिया जाए, यही समाज का कानून था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं समाज के कानून को फॉलो करते हुए, माशरे के कानून को फॉलो करते हुए मैंने अपने बच्ची को लिया और जाने लगा ताकि मैं उसे मिट्टी में डाल दूं, ताकि मैं उसे मिट्टी में दफन कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि ऐ मेरे शौहर, ये क्या करने जा रहे हो, चांद सी बेटे पर, चांद सी लड़के पर एक नजर तो डालिए, देखिए कि आपकी बेटी कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन और जलील है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने अपनी बेटी पर एक नजर डाली तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इतनी हसीन और जमील थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इरादा कर लिया, मैंने हुस्न कर लिया
السلام کی تعلیم سے آراستہ کروں گا۔ اللہ کے رسول، میرے بیٹے سال کے لحاظ سے بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک سال، دو سال، تین سال، یہاں تک کہ چار سال کی ہو گئی، چار سال کی ان کی عمر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن مکے کی بازار میں گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ مل کر مجھے تانا دینے لگے، دیکھو یہ فلا شخص ہے، یہ فلا انسان ہے، جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، جس کے گھر میں لڑکی کا جنم ہوا ہے، لیکن یہی انسان ہے جو معاشرے کا قانون کو توڑا ہے، یہی انسان ہے جو سماج کے قانون کو توڑا ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کو زندہ تر غور نہیں کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو مکے کے بازار میں گئے، مکے کے بازار کے لوگ کہنے لگے، اس سے رشتے ناطے تان لیا جائے، اس سے رشتے ناطے تمام چیزوں کو اسے ہٹا دیا جائے، یہاں تک کہ لین دین بھی نہ کیا جائے، یہاں تک کہ تمام چیزوں کو کاٹ دیا جائے، رشتہ ناطا تمام چیزوں کو ہٹا دیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ جاتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اے میری بیوی، کل جمیلا کو میں دفن کر دوں گا، کل جمیلا کو اچھا لباس پہنا دینا، اچھا کپڑا پہنا دینا، اور میں جاؤں گا اور میں اسے دفن کر دوں گا۔ اور تو بیوی رو رہی ہے، بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہر، آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیسی کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، کہ آپ نے کوئی نشہ تو نہیں کیا ہے، آپ نے تو شراب نہیں پی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی سے کہا، کہ اے میری بیوی، نہ میں نے نشہ کیا ہے، نہ میں نے شراب پی ہے، بلکہ میں ہوش اور حواس میں بالکل تہرا ہوں۔ اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیوی کی دھمکی دی، اگر تو نے جمیلا کو کچھ بتائی تو میں تمہاری گردن کو کاٹ دوں گا، میں تمہاری سر قلم کر دوں گا، گردن کاٹ دوں گا، گردن سے جدا کر دوں گا، اگر کر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی ڈر گئی۔ رات آئی، کالی رات ہے، ماں اپنی بیٹی کو چومتی ہے، ماں اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتی ہے، صبح آتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو نہلانے کے لیے، غسل دلوانے کے لیے جاتی ہے، یہاں تک کہ سر پر پانی ڈالنے والی ہوتی ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتی ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو بار ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ماں رونے لگتی ہے، بیٹی کہتی ہے کہ اے میری امی جان، یہ کیا کر رہی ہو، تو رات میں بھی رو رہی تھی اور جب صبح میں تو مجھے نہلانے کے لیے لائے ہو، غسل دلانے کے لیے لائے ہو، اے میری ماں، پھر بھی تم رو رہی ہو، کیا بات ہے، آج سے پہلے تو کبھی مجھے چوم نہیں چومی تھی، مجھے پیار نہیں کی تھی، مجھے محبت نہیں کی تھی، لیکن اے میرے امی جان، لیکن آج مجھے بوسا کیوں لے رہی ہے، آج آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کیوں آ رہی ہے، ماں کیوں نہیں کچھ بھی نہیں بولتی ہے، پھر اس کو اچھا اچھا لباس پہنا دیتی ہے، میرے بھائی ہو، اور پھر اسے اس کے آپ کو تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں جانے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی میری بچے کی ہاتھ پکڑ لیا اور رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے کہتی ہے، اے میرے امی جان، اے میری امی جان، کیوں رو رہی ہو، رونے کی ضرورت نہیں ہے، مت روئیے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں شام کا کھانا مراد کے ساتھ کھاؤں گی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میری بیٹی کو کچھ نہیں معلوم کہ اس کا ایک ظالم باپ اس کو دفن کرنے لے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے لنگی میں پھڑوڑا لپیٹ لیا، کلہاڑی لپیٹ لی اور میں جانے لگا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں جنگل میں پہنچا اور میں کھال کھودتا جا رہا ہوں، گڈھا کھودتا جا رہا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو مٹیاں اڑ اڑ کر میرے کپڑے پر لگ جاتی تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور میرے کپڑے پر جو مٹیاں لگ گئی تھی اس کو جھاڑتی جا رہی ہے، اس کو صاف کرتی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے، اے میرے ابا جان، اگر ابھی آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے
तो अभी तो मेला भी देखना है, अभी तो नुमाइश भी देखना है। अरे मेरे अब्बा जान, अगर अभी आपके कपड़े खराब हो जाएंगे तो मेला में कैसे जाएंगे? अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी की एक बात भी ना सुनी। अरे अल्लाह के रसूल, जब मैंने खाल खोदना जब मेरा मुकम्मल हो गया तो मैंने अपनी बेटी से कहा, अरे मेरी बेटी, दुनिया में जालिम तो ऐसा है जो जुल्म करने के बाद माफी मांगता है, लेकिन तेरा बाप इतना बड़ा जालिम है कि जुल्म करने से पहले माफी मांगता है। अरे मेरी बेटी, हो सके तो माफ कर देना। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बच्ची के दोनों हाथ पकड़ लिया, दोनों पैर पकड़ लिया और कब्र में जोर से फेंक दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी कहती जा रही है, अरे मेरे अब्बा जान, ये मेरे साथ आप क्या कर रहे हैं? अरे मेरे अब्बा जान, मुझे डर लगता है कहीं मेरी जान ना चली जाए, मेरी सांस ना रुक जाए, मेरी धड़कन ना खत्म हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी कहती जा रही है और मैं मिट्टियां देता जा रहा हूँ, मैं मिट्टी देता जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरी बेटी कहती है, अरे मेरे अब्बा जान, जब मैं आपको अब्बू अब्बू कहने लगी हूँ, अब्बा अब्बा कहने लगी हूँ, अम्मी अम्मी कहने लगी हूँ, तब आप मुझे दफन करने के लिए ले आए हैं। अरे मेरे अब्बा जान, जब मैं अपनी जबान से अब्बा अब्बा नहीं कह रही थी, जब मामा नहीं बोल रही थी, अम्मी अम्मी नहीं बोल रही थी, तभी मुझे दफन कर देता ताकि मुझे ये दौर देखना ना पड़ता। और वो सहाबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दौड़ता हुआ गया, मैं दौड़ता हुआ जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी बेटी को उठा सकूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं कब्र पर पहुँचा, मैं अपना कान लगा कर सुनने लगा, काश मेरी बेटी की आवाज़ मेरे कान तक पहुँचे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मिट्टियाँ हटाता जा रहा हूँ, मैं मिट्टियाँ तेजी के साथ रफ्तार के साथ हटाता जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी बच्ची को जिंदा निकाल सकूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने मिट्टियां हटा दी, अल्लाह के रसूल, जब मुकम्मल हो गया, अल्लाह के रसूल, मैंने कब्र पर नजर डाली, अल्लाह के रसूल, उस वक्त मेरी बेटी की सांस खत्म हो गई थी, मेरी बेटी मर गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, सहाबा इकराम भी रो रहे हैं। एक सहाबी दूसरे सहाबी से कहते हैं, देखो देखो अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। एक सहाबी दूसरे सहाबी से कह रहे हैं, एक सहाबी दूसरे सहाबी से कहते हैं, देखो इन्होंने नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुला दिया है। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से कहते हैं, आए सहाबियो, तुम लोग अपनी बेटियों से नफरत करो, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर ना करो, क्योंकि कल कयामत के दिन वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कल कयामत के दिन ऐसी लड़कियों से सवाल किया जाएगा, ऐसी लड़कियों से बातचीत की जाएगी, ऐसी लड़कियों से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि तुम्हें किस पादाश की वजह से, किस जुर्म की वजह से तुम्हें मार दिया गया है, तुम्हें दफन कर दिया गया है, तुम्हें जिंदा दरगोर कर दिया गया है। कल कयामत के दिन ऐसी लड़कियों से सवाल किया जाएगा, ऐसी लड़कियों से पूछा जाएगा, ऐ नफरत करने वालों सुनो, और मैं 2-3 मिनट में आपसे